तो ये देखिए गाइज, आज काफी ज्यादा धूप है यहाँ पर, तो ज्यादा क्लियर तो दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर ग्रिल लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, काफी ज्यादा गर्मी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये है पनीर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के परांठे सुबह मॉर्निंग में। तो इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, और ये है मेरा आटा जो कि अभी मैंने फ्रिज से बाहर निकाला है, तो काफी ज्यादा सख्त है, थोड़ा नरम होने के लिए रख देंगे। तो चलिए बना लेते हैं हम फटाफट से पनीर के परांठे, और काफी यम्मी है, काफी टेस्टी होते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मैश करके रख दी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये पनीर के परांठे बन गए अभी सुबह मॉर्निंग के। तो ये देखिए, तो हमारे मॉर्निंग हो चुकी है, बस मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ जस्ट। ये है पनीर के परांठे, काफी टेस्टी, काफी यम्मी, तो अभी बन रहा है ये फिलहाल। इसके अंदर मैंने सारा पनीर डाला है, तो आलू पनीर वाला काफी चलता है। तो गाइस, यहाँ पर मैं तेल नहीं लगाती आदि के लिए, इसको थोड़ा सा मैं घी का ही बना लेती हूँ। ये है हमारा घी, घर का बनाया हुआ घी, तो मैं यही डाल के बनाती हूँ आदि के लिए। देखो कितना टेस्टी, कितना यमी बन रहा है। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। तो गाइस, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो, तो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहूँगी। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ गाइस, क्योंकि मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं गाइस। तो इसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, मतलब मुझे हो रहे हैं एक दो महीने हो रहे हैं, जिस वजह से मेरे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आने लगे हैं गाइस। तो जो नए यूट्यूबर हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे बीच में अपने जो भी वीडियोस होता है छोटा छोटा शेयर कीजिए, ऐसा ना छोड़े, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम जब बीच में छोड़ देते हैं तो उसमें व्यूज आना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है गाइस। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही है, बट जो हुआ सो हुआ गाइस। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब रोज़ डेली का व्लॉग डालूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए था, बट कुछ लाइफ ऐसी बिजी हो जाती है कि बीच में, कि मैंने एक दो महीने से मतलब काफ़ी टाइम हुए गाइस, तो मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो इस वजह से मेरे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट कुछ लोगों का कमेंट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं, मुझे व्लॉग शुरू करना चाहिए। तो देखती हूँ, वैसे तो मैं व्लॉग डालूंगी आप लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे आते हैं कि उनके कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे डालनी चाहिए व्लॉग। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, तो YouTube में आना कोई मतलब आसान काम नहीं होता गाइस, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये तो होता रहता है अप डाउन। तो अभी फ़िलहाल हम अभी ना धो के आई हुई हूँ, तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, तो देखते हैं। तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी गाइस, तो थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग हर रोज़ डालूँगी गाइस। तो चलिए, अब हम जो अभी दिन का लंच बना है, तो अभी हम लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर घूमना भी कोई पॉसिबल नहीं है गाइस, इतनी गर्मी है कि आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से हम बाहर भी नहीं जा पाते। तो शाम का टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब ठीक लगता है, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है गाइस, हम बाहर रह भी नहीं पाएंगे। कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आजकल मैं दिल्ली आई हूँ अपने हस्बैंड के पास, तो आदि की छुट्टियाँ पड़ चुकी है एक महीने के लिए, तो तभी आई हुई हूँ। तो बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी, और हम दोनों को इतने मच्छरों ने काटा है गाइस कि आपको मैं अभी दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत मच्छरों ने काटा है यहाँ पर। जब भी हम हिमाचल से आते हैं, तो आदि और हम दोनों का फेस तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मच्छर, पता नहीं कहाँ से आ जाते इतने सारे मच्छर। तो चलिए, ये देखिए आदि अभी क्या कर रहे हो आप?
हैं बोलो क्या कर रहे हो? हेलो करो, हेलो हेलो जोर से हेलो हेलो गाइस तो चलिए बस अब दिन का डिनर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है। A few moments later. ये देखिए गाइस, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है जो कि इतने बारिश में भीग रही है। ये देखिए यहाँ पे दिल्ली में बारिश का होना कितना मायने रखता है, लोग भीग रहे हैं जान के। One hour later. सो गाइज, यहाँ पर मैं रात का डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो मिलती हूँ मैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।